पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए कोसी कला का एक युवा 4200 किलोमीटर की सफर पर निकला है। ये सफर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल तय किया जाएगा। मनचाहे किसी भी सफर को तय करने के लिए भरोसे और जज्बे की जरूरत होती है, जिसकी वजह से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। उसी सफर को तय करने निकला है कोसी कला के ब्राह्मणपुरी का रहने वाला अवधेश, जो कि 29 वर्ष की आयु में कश्मीर के लेह से कन्याकुमारी की पैदल यात्रा करने के लिए निकल चुका है। अवधेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, जिसने पूर्व में 1850 किलोमीटर की साइकिल यात्रा बद्रीनाथ से केदारनाथ की कर चुका है। लेह से कन्याकुमारी की यात्रा 4200 किलोमीटर की है, जो 5 माह में पूर्ण करनी है, जिसमें 7 पड़ाव स्थलों पर रुककर ही निकलना है, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस 4200 किलोमीटर पैदल लंबे सफर में गार्मिन और गो एयर इनके सफर के पार्टनर होंगे, जो सफर के दौरान होने वाले सामान और व्हीकल आदि उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे, जिसके माध्यम से सफर को अवधेश पूरा करेगा। इतना ही नहीं, सफर के दौरान प्रदूषण मुक्त इंडिया के सपने को साकार करना अवधेश का मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर गुरुवार को कस्बे के रहने वाले मित्र सहयोगियों और परिवार के लोगों ने उसकी यात्रा की मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद देकर माला दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। वहीं 5 महीने के 4200 किलोमीटर लंबे सफर को सफल तय करने की कामना की। आपको दिखाई दे रहा ये सामान वो कीमती सामान है, जो कि बर्फीले इलाके सहित गर्मी वाले इलाकों में काम आने वाला है। इलेक्ट्रिक स्टाफ, वाईफाई और सैटेलाइट घड़ी और बर्फीले इलाके में पूरी सहूलियत देने वाला ये आवश्यक सामान है। अवधेश ने बताया कि इस यात्रा को लेकर लेह और कश्मीर के अधिकारियों से वार्ता भी हो चुकी है, जो कि पहली यात्रा है। इस संबंध में अवधेश शर्मा और उनके पिता राजेश कुमार शर्मा द्वारा जानकारी दी गई। जी बताएं, आपने जो यात्रा का जो विचार बनाया वो कैसे बनाया और किस तरह की यात्रा आप कर रही है? ये विचार एक्चुअली बना था जब मैं पहले अभी साइकिल टूर अक्टूबर में करके आया था। 1850 किलोमीटर का साइकिल टूर किया था उत्तराखंड का, जो कि घर से चालू हुआ था, फिर फरीदाबाद होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माना होते हुए केदारनाथ गया था। उसके बाद आने के बाद मैंने सोचा कि कुछ अब साइकिल जब ये टूर कर लिया तो नॉर्थ टू साउथ किया जाए। जब नॉर्थ टू साउथ करने का प्लान बना तो इसके बारे में और रिसर्च करी। जब रिसर्च करी तो पता लगा कि नॉर्थ टू साउथ बेसिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी होता है, लेकिन वो पहले से अटेम्प्टेड है। मगर अभी लद्दाख जब से शिफ्ट हो गया, लद्दाख और कश्मीर जब से दोनों स्प्लिट हो गए हैं, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए, जो पहले एक स्टेट हुआ करते थे, तो अभी हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कंसिडरेबल हो गया थांग। तो थांग से मेरा पर्पज़ ये हुआ कि इसको लद्दाख से कन्याकुमारी किया जाए L2 के हाई इंस्टेड ऑफ K2 के। तो आई बी द फर्स्ट वन, जो मैं सबसे पहला इंसान हूँ जो इस अटेम्प्ट को कर रहा हूँ। थांग इंडिया का सबसे आखिरी गांव है, नॉर्दर्न मोस्ट, उधर से चालू करके केप कोमरेन कन्याकुमारी, जो इंडिया का मेन भूतल है, उसका सबसे निचला छोर है वहाँ तक। तो कितने दिन में पूरी ये जो यात्रा है ये 4200 किलोमीटर की है, जो कि मेरा टारगेट है 5 महीने में कवर करने का। क्या क्या तैयारी आपने इसके लिए की, क्या क्या सामान इकट्ठा किया? इसके लिए रेगुलरली मैंने 100, जब साइकिल टूर ख़त्म हुआ था उसके बाद से डेली वर्कआउट करना अपना, 20-25 किलोमीटर रेगुलर वॉक करता था। फिर धीरे धीरे वॉक जब चेंज की तो उसमें क्या किया मैंने, टाइम कम करना चालू करा, वॉक का ड्यूरेशन वही रखा किलोमीटर्स, टाइम कम करता गया। फिर उसके बाद उसमें मैंने वेट ऐड करा, सैंड बैग लेके सैंड बैग के साथ रन करता था। कौन कौन से ग्रुप हैं जो आपको पार्टनर इसमें हैं या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? गार्मिन है, ये गार्मिन मेरा इसमें टाइम एंड ट्रैकिंग पार्टनर है। तो गार्मिन ने मेरे को ये गार्मिन इंस्टिंक्ट वॉच दी हुई है, तो जिसकी मदद से गार्मिन अपना पूरा मेरी पूरी हाइक का टाइम और ट्रैक करेगा कि मैं किस किस वक्त पे किस किस कदम कहाँ कहाँ से किस रूट से चला हूँ, तो कितना वक्त लगा, कितने किलोमीटर तय हुए, कितना टाइम हुआ, तो सारी चीज़ टाइम एंड ट्रैकिंग पार्टनर है मेरा गार्मिन। और अभी जो मैं दिल्ली से लेह के लिए जाऊंगा, कल सुबह 5:30 बजे की फ़्लाइट है गो एयर से, तो गो एयर मेरा फ्लाइंग पार्टनर है इस एक्सपेडिशन में। तो लेह पहुंचूंगा, लेह पहुंचने के बाद 3 दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए होता है, जो बेसिकली 48 घंटे का होता है, बट बड़ा एक्सपेडिशन होने वाला है तो एक दिन एक्स्ट्रा रेस्ट ले रहा हूँ लेह में, ताकि मेरी बॉडी उस हाई एल्टीट्यूड पर एडजस्ट कर पाए। उसके बाद 19 तारीख को सुबह मैं दिशकत के लिए जाऊँगा, रात दिशकत रुकूंगा, फिर
20 तारीख को दिशकित से थांग जाऊंगा, जो भारत का आखिरी गांव है जहां से मेरे को हाइक चालू करनी है। 21 तारीख को सुबह वहां से हाइक चालू होगी पैदल यात्रा। उसके बाद से पूरी है पैदल मनाली होते हुए पहला पड़ाव में, दूसरे में दिल्ली, तीसरे में झांसी, फिर नागपुर, फिर हैदराबाद, फिर बेंगलुरु, फिर एंड में केप कोमरन कन्याकुमारी पे ख़त्म होगा। इसके संग जैसे खाने पीने की क्या व्यवस्था रखी है आपने, कि जैसे ऊपर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वहाँ किस तरह का खाना होगा, या नीचे जो कन्याकुमारी जा रहे हैं वहाँ का ऐसा रहेगा कि जहाँ जहाँ पे मेरे को पॉसिबिलिटी होगी बाहर से खाने की वहाँ बाहर से खा लूँगा, फ्रूट्स हुए जैसे, बाकी बेसिक दूध वो ले लूँगा, बाकी कुकिंग का बेसिक कुकिंग के लिए जो एसेंशियल्स होते हैं वो मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पे स्टोव लेके जाऊँगा, एक छोटा सा पैन है जिसमें चाय दूध बना लिया, मैगी बना ली, ब्रेड बटर खिचड़ी बना ली, तो इस तरह का खाना पीने का अपने साथ तैयारी रहेगी। जैसे COVID-19 आजकल चल रहा है तो उस COVID-19 को देखते हुए क्या क्या आपने प्रिकॉशंस रखे हुए इसमें? पहली बात, मेरा सोलो हाइक है तो इसमें कोई मास मूवमेंट नहीं है, कोई लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अगर मैं अकेला चल रहा हूँ तो उससे कोविड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट के लिए जो जो मैंडेटरी प्रिकॉशंस हैं, जैसे मैं अभी लद्दाख में एंटर कर रहा हूँ, लद्दाख की जो पॉलिसी है कोविड गाइडलाइंस जो हैं वो ये हैं कि RT-PCR मैंडेटरी होना चाहिए, तो मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया हुआ है जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है, नेगेटिव है, तो मैं लद्दाख में एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद लद्दाख से जैसे ही मनाली में जब एंटर करूँगा हिमाचल प्रदेश, उस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की गाइडलाइन होंगी तो दोबारा फर्दर एक और RT-PCR कराना होगा, या जो भी उस वक्त की टर्म एंड कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे स्टेट में फर्दर मूव करूँगा उस हिसाब से जो भी। बाकी अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, सरफेस सैनिटाइज़र, मास्क, वो हमेशा रहेगा। माता पिता का क्या सहयोग मिला आपको इस पूरी यात्रा के दौरान? जी, माता पिता का सहयोग के बिना तो कुछ भी असंभव है, तो उनका सपोर्ट होना ही सबसे बड़ी बात होती है कि वो लोग आपके लिए एक बैकअप हैं, तो मुझे पता है कि हाँ, एट दी एंड बैकअप में मेरा एक सपोर्ट है, तो वो बहुत बड़ी बात है।